हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नालंदा बिहार की एक और लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रहे हैं। आप लोगों ने काफ़ी पूछा था कि उसकी लेटेस्ट अपडेट शेयर करने के काम कितना हो गया, तो कुछ वीडियोस हैं मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करेंगे और अभी तक जितना काम हुआ है उसी के मुताबिक आपको स्टेडियम के स्ट्रक्चर के बारे में समझाएंगे। इंडिया में 3-4 ऐसे बड़े स्टेडियम्स हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है आफ्टर मोटारा क्रिकेट स्टेडियम के, उसकी भी मैंने आपके साथ काफ़ी सारी अपडेट शेयर की हुई। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा। इसके अलावा भी मैं दूसरे स्टेडियम्स पर वीडियोज़ बना चुका हूँ। राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर भी मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। अगर आप लोगों को स्टेडियम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही से समझ आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिहार नालंदा के राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में काम जोरों शोर से चल रहा है। कहा जा रहा है कि इसको 2020 के एंड तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट लेट्स सी काम किस रफ्तार से होता है और इसको कब तक कंप्लीट किया जाता है। यहाँ के सीएम नीतीश कुमार ने इस क्रिकेट स्टेडियम का आगाज़ करवाया था। इस स्टेडियम में हर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी मौजूद होगी जो कि बाकी के स्टेडियम्स में आपको आजकल देखने को मिलती है। बिहार के लोगों को काफ़ी खुशी है इस स्टेडियम से, क्योंकि बिहार में काफ़ी क्रिकेट के शायकीन पाए जाते हैं और वो भी चाहते हैं कि वो अपनी टीम को अपने होम ग्राउंड्स पे लाइव देखें, और ये उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो अपनी टीमों को अपने स्टेडियम्स पे खेलता हुआ देखेंगे। बावसूख ज़राए के मुताबिक पता चला है कि ये स्टेडियम 90 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है और इस स्टेडियम पर आने वाले खर्चे की लागत 740 करोड़ इंडियन रुपीज़ है। और भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं और साथ में आपके साथ स्टेडियम के कुछ लेटेस्ट शॉट शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि काम किस रफ्तार से चल रहा है और कितना काम हो गया है। और जब जब मुझे मौका मिलता रहेगा मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा। उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम ही नहीं बल्कि पूरा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, जहाँ पर क्रिकेट समेत 28 इनडोर और आउटडोर गेम्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। ये इंडिया के जितने भी बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स होंगे उनमें से एक होगा। और अगर इस स्टेडियम की कैपेसिटी की हम बात करें तो यहाँ पर 45,000 यानी कि 45,000 स्पेक्टेटर्स के लिए कैपेसिटी रखी गई है। स्टेडियम की बाउंड्री सेक्शन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और बाकी की कंस्ट्रक्शन को तेज़ करने के लिए बड़ी तादाद में इंजीनियर्स और वर्कर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। स्टेडियम की जिम्मेदारी शॉपर जी और बालोजी कंपनी को दिया गया है, वो इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फिटनेस सेंटर, मोटिवेशन सेंटर, रिसर्च सेंटर, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और इसके साथ साथ कैफेटेरिया और एक बड़ा हॉस्टल भी बनाया जाएगा बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट। इसके साथ साथ इंडोर आउटडोर क्रिकेट अकेडमीज़ भी होंगी जहाँ पे प्लेयर्स अपनी नेट प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो ये बिहार के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, वहाँ पे जो क्रिकेट शायकीन हैं, जो क्रिकेट से लव करते हैं। इंडिया में तो काफ़ी लोग ऐसे पाए जाते हैं। और अगर आप भी क्रिकेट लवर हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इंडिया के किस इलाके से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार और नालंदा के जो लोग हैं, वहाँ पे जो क्रिकेट टैलेंट है उनको आगे आने के लिए ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि जहाँ भी क्रिकेट स्टेडियम्स बनते हैं, क्रिकेट अकेडमीज़ बनती हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स में आगे आने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। अब आपको स्टेडियम के स्ट्रक्चर के बारे में समझा देता हूँ। अभी तक जो कंस्ट्रक्शन हुई है ये मैंने अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन किया है, अभी से बता रहा हूँ, गलत भी हो सकती हैं, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे। ये जो ज़िगज़ैग पोर्शन जो नीचे आपको नज़र आ रहा है मेहराब की शक्ल में, ये वाली साइड बन रही है, नीचे उसी तरह मेहराब बने हुए हैं ज़िगज़ैग। मैं आपको एरो के ज़रिए से भी दिखा देता हूँ। तो ये इस साइड वाला पोर्शन बन रहा है और ये आप स्ट्रक्चर में भी क्लियरली देख सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया है कंस्ट्रक्शन अभी तक जितनी हुई है उस दौरान, ये पिलर साइड वाला सेक्शन जो आपको नज़र आ रहा है, मैं एरो के ज़रिए से भी दिखा देता हूँ, इस पर भी काफ़ी काम हो गया है। और ये पिक्चर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये इस साइड की है, इस पर काम हो रहा है। तो काम चल रहा है, अगर इसी तरह होता रहा जैसे मैंने पिछली बार अपडेट शेयर की थी और अब जो शेयर कर रहा हूँ इस दौरान काफ़ी काम हुआ है, तो मे बी 2020 के एंड तक ये बन जाए। बाकी जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैं जब भी किसी स्टेडियम पर वीडियो बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट ज़रूर रीड करता हूँ। और अब आपके साथ जो बाउंड्री साइड का सेक्शन है वो शेयर कर रहा हूँ, सामने पिलर्स के लिए
ये काफ़ी सरिया लग चुका है। जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे तकरीबन 740 करोड़ का खर्चा आएगा। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में 700 करोड़ का बताया जा रहा था, लेकिन फिर वो एक्सीड हो गया, उससे ज़्यादा खर्चा आया मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में। और इसी तरह इस साइड का भी 740 करोड़ बताया जा रहा है, बट ये एस्टिमेटेड होता है। टाइम के साथ साथ जब काम होता है तो पता लगता जाता है और इंक्रीज़ भी हो जाता है, कभी कभी तो कम खर्चे में भी बन जाता है। अब आपके साथ जो ऑफिशियली बिहार वालों के पेज की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी, जो मेन मेन पॉइंट्स शेयर किए गए थे, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप रीड भी कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। मेरे सब्सक्राइबर्स डिफरेंट कंट्रीज़ से हैं, पाकिस्तान, इंडिया और बाहर के स्टेडियम्स पर भी मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। तो UK और ऑस्ट्रेलिया से भी मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ ताकि उनको भी समझ आ सके। और मेरी कोशिश रहती है कि क्रिकेट को सपोर्ट करूँ, स्पोर्ट्समैनशिप को सपोर्ट करूँ। बाकी इसमें ज़्यादातर वही सब इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ स्टार्ट में शेयर की स्टेडियम के बारे में, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें है, वो आप रीड कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबको रीड करना आता होगा। थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता चलूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था लेकिन काफ़ी नए व्यूअर्स आ गए हैं तो उनके लिए भी शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली October 12, 2011 में नितेश कुमार ने इस स्टेडियम के स्टोन की फाउंडेशन की थी, मतलब उन्होंने रखा था। और फिर 2013 में ये अनाउंस हुआ था कि बिहार में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा और फिर इस पर काम शुरू हो गया था। आपको बताता चलूँ कि ये स्टेडियम दूसरा स्टेडियम होगा आफ्टर मोहिनुल हक स्टेडियम, जो इंडिया के लोग हैं उनको पता होगा मोहिनुल हक क्रिकेट स्टेडियम का। तो ये दूसरा स्टेडियम होगा यहाँ पर जो इंटरनेशनल मैचेस को होस्ट कर सकेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि इस स्टेडियम के स्ट्रक्चर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की तरह डिज़ाइन किया जाएगा। इससे पहले भी एक दो डिज़ाइन आपको मीडिया पर देखने को मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया कि यहाँ पे एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जहाँ पे डिफरेंट 28 इंडोर आउटडोर गेमों की फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी, जिसमें 3D मॉडल के मुताबिक एक फुटबॉल फील्ड, बास्केटबॉल कोर्ट और ऐसी डिफरेंट गेम्स के लिए जगह बनाई जाएंगी। एक और बात मैंने नोटिस की, नालंदा क्रिकेट स्टेडियम, बाय द वे नालंदा क्रिकेट स्टेडियम भी इसे कहा जाता है। स्टेडियम्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसा कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम को सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम भी कहते हैं। खैर, आप लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम का स्ट्रक्चर और राजगीर के क्रिकेट स्टेडियम के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो आप लोगों को सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। मैंने इकाना के स्टेडियम पर भी वीडियो बनाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज़ हैं। बाकी स्टेडियम्स की चेयर्स का कलर डिफरेंट है और ये भी डबल टायर का स्टेडियम है, मतलब ऊपर नीचे स्टैंड्स होंगे। यहाँ पे आपके साथ दोनों स्टेडियम्स का स्ट्रक्चर भी शेयर कर देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे सिमिलरिटीज़ हैं दोनों स्टेडियम्स में। बाकी ऑब्वियसली कैपेसिटी फैसिलिटीज़ के लिहाज से दोनों स्टेडियम्स डिफरेंट हैं, बाकी मैं कंपैरिजन भी कभी कभी करता हूँ स्टेडियम्स का। इसके अलावा आप लोगों ने काफ़ी सारे स्टेडियम्स मुझे सजेस्ट किए हुए हैं इंडिया के, और मैं उनको लिस्ट में रख लेता हूँ। जिस पे ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं मैं उस पर ही नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों ने मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम की भी एक और लेटेस्ट अपडेट का कहा है, तो वो तो बन चुका है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि एक और अपडेट आपके साथ शेयर कर दूँ। मैंने काफ़ी सारी अपडेट्स उस पर शेयर की हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के अलावा, वो तो बन गया उसका मुझे भी पता है, कि इंडिया में कौन कौन से स्टेडियम पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कौन से पे रिनोवेशन का हो रहा है और कौन से न्यूली बिल्ट हो रहे हैं, और अपकमिंग फ्यूचर में किन किन स्टेडियम्स का कहा गया है। तो ये कुछ मालूमात है जो मुझे रिक्वायर्ड हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, वो आपस में लड़ा ना करें, कमेंट सेक्शन में ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं एक दूसरे को, इसके बजाय आप कुछ अच्छा सा पूछ लिया करें, कुछ अच्छा सा सजेस्ट कर दिया करें। गालियों और लड़ने से कुछ नहीं बनता, तो सपोर्ट किया करें जो क्रिकेट के लिए सही हो रहा होता है। ऑलवेज स्प्रेड लव, पीस एंड यूनिटी का मैसेज मैं आप लोगों को देता रहता हूँ, तो उसको फॉलो किया करें। तो ये तो थी बिहार के राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की एक और अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। बड़ी बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो आखिर में समराइज कर देता हूँ आपके साथ। स्टेडियम की कैपेसिटी 45,000 स्पेक्टेटर्स के लिए, इस पर आने वाला खर्चा 740 करोड़ का बताया गया है, और जो एरिया है यहाँ पे 90 एकड़ पर ये स्टेडियम फैला हुआ है। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इनॉग्रेशन के लिए जो सेरेमनी हुई थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी, वो आप लोगों को गूगल पे ऑनलाइन मिल जाएंगी, डिफरेंट आर्टिकल्स में आप जाकर रीड कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि मैं वीडियो में वो सब कुछ शेयर करूं जो बड़ी हाइलाइट्स हैं, और जिससे आपको सिर्फ इतना समझ आ जाए कि किस तरह का स्टेडियम बनने जा रहा है। तो बस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे बेहतर यह है कि आप मुझे सोशल मीडिया पर आकर फॉलो करें, यहाँ पर आपको फेसबुक, इंस्टा की लिंक्स दे देता हूँ,
वहाँ पे आकर DM करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई इन्फॉर्मेशन मैं ठीक नहीं दे पाता तो उसके लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिया करें, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है। आप कमेंट सेक्शन में ठीक कर दिया करें, मैं आपके कमेंट को लाइक कर दिया करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक कर देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो को जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हम आपको वेलकम करते हैं, हमारा कॉन्टेंट ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। मैंने पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम्स के साथ साथ दुनिया के डिफरेंट क्रिकेट स्टेडियम्स पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आएंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज योर बॉय हाफिज साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।